और आज की बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। आजकल हम देखते हैं जैसे इतनी सारी चीज़ें दुनिया में हो रही हैं, वॉर्स, हम लोग सुनते हैं कि युद्ध होने वाला यहाँ हुआ, रूमर्स ऑफ वॉर्स। जैसे यीशु मसीह ने कहा था कि आखिरी दिनों में ये सब कुछ होगा, और शैतान को भी पता है कि उसका टाइम जो है अभी ख़त्म होने वाला है। उसको थोड़े दिनों में, अभी जब यीशु मसीह वापस आएंगे और उसको फेंक दिया जाएगा, और 1000 वर्ष बाद तो उसको बिल्कुल ही सीन से वो एकदम निकाल दिया जाएगा। इसीलिए हम आजकल देखते हैं कि शैतान बहुत सारे हमले करता है, इतने सारे लोग सुनते हैं ना। आजकल विश्व में शांति तो कहीं है ही नहीं, हर कंट्री में कुछ ना कुछ हम लोग देखते हैं कि शूटिंग्स हो रहे हैं, यहाँ पर बाढ़ आ रही है, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और शैतान के हमले जो हैं, जो हम बोल सकते हैं कि 20 या 20 साल पहले जितना था, उससे कई गुना वो ज़्यादा आजकल शैतानिक का काम एक्टिविटी, दिखता हाँ, है। उसके कार्य दिखते हैं। और इस समय में बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल में लिखा है कि आर्मर ऑफ गॉड, मतलब जब सैनिक एक युद्ध करने जाते हैं तो ऐसे ही नहीं चले जाते। जैसे आर्मर ऑफ गॉड, हम लोग आज जैसे बोलते हैं कि बुलेट से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट होता है और उनका हेलमेट होता है, ऐसे ही हम लोग देखते हैं एफिसियों में लिखा है कि जो आने वाले दिन, जब बुरा दिन आएगा, बाइबल में ये कभी नहीं लिखा है कि बुरी चीज़ें बिल्कुल नहीं होंगी, है ना। बस ये लिखा है कि बुरी चीज़ें होंगी, पर विजय जो है वो हमारा ही है, इसीलिए पर हमें खड़े होके लड़ना है। तो जब वो कहते हैं कि बुरा दिन आने आने वाला, आते टाइम आपको स्थिर रहना है, तो वो बोलते हैं, एक लिस्ट को देते हैं कि उद्धार का टोप पहन लो, और क्या क्या वो बोलते हैं, धार्मिकता का जिलम और विश्वास का जो है वो ढाल। तो ये सारी चीज़ें, इनका मतलब क्या है? ये एक विश्वास का जिलम हम कहीं खरीदने नहीं जा सकते, अविश्वास का ढाल। पर ये सारी चीज़ें, इनका मतलब ये है कि जो वचन में, जैसे उद्धार का टोप मतलब क्या, कि वचन में जो उद्धार के बारे में लिखा है उसको हमें हमारे माइंड में एकदम बिठा देना है, उसको फिर वहाँ से कभी उस टोप को हिलने नहीं देना है, गिरने नहीं देना है, क्योंकि सबसे पहले हमारे माइंड में बहुत क्लियर होना ज़रूरी है कि उद्धार क्या होता है। बहुत लोग आजकल भी हम देखते हैं चर्चेस में भी इतने सारे डिस्कशंस होते हैं कि क्या करने या ना करने से आप नरक में जाएंगे, या लोग सोचते हैं कि अगर मैंने ये सब कर लिया तो मतलब मैं नरक में नहीं जाऊंगा, और ये लोग ये सब कर रहे हैं तो इनको प्रभु नरक में फेंक देंगे। ये सब बातें देख के दुख की बात है कि इसका मतलब ये है कि लोग समझ नहीं पाए हैं कि उद्धार क्या है। और जब लोगों को ये वचन में, जैसे हमने बोने वाले का जो दृष्टांत लास्ट टाइम देखा था, उसमें वो बोलते हैं, वो एक प्रोसेस है। सबसे पहले हमें समझना है, मेंटली पहले हम समझते हैं कि क्या कैसे हुआ, जो भी बाइबल में लिखा है मेंटली उसको समझते हैं, फिर पवित्र आत्मा उसको एक प्रकटीकरण के रूप में जिंदा कर देता है, वो जो बीज है वो फल लाने लगता है। पहले मन में बसता है, फिर दिल में बसता है। हाँ, सही है। और लोगों के मन में ही, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होता है कि उद्धार क्या है, कैसे पाते हैं। इसीलिए टोप की जब हम बात करते हैं, उनका टोप ऐसे ही होता है कि जैसे वो चिन स्ट्रैप होता है, हम लोग हेलमेट में देखते हैं कि एक चिन स्ट्रैप होता है, वो लगा नहीं रहता, इसलिए वो टोप आधे टाइम सर पे होता है, आधे टाइम वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि हम उद्धार हमने पाया है कि नहीं। उनको लगता है कि एक दिन पाया, दूसरे दिन खो दिए, वापस जाके उसको बार बार पाना है, ये सब। तो एश्योरेंस नहीं रहता। हाँ, वही तो, यही सब चीज़ों का डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रोमियो की पत्री। ये सीरीज हमने स्टार्ट की थी, और ये सीरीज है, पहले वाले अगर आपने स्टडी देखे नहीं हो तो हमने प्लेलिस्ट का लिंक रखा है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। हमने लास्ट टाइम सीखा था कि जो धार्मिकता है वो क्या है, एक गिनी गई धार्मिकता है।
अब क्रूज की जब हम बात करते हैं ना, तो क्रूज इतिहास में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर हम बोल सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट घटना जो है वो है प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, क्योंकि वहीं पर वो सारी चीज़ें हम बाइबल में देखते हैं, जितनी भी चीज़ें पुराने नियम में भी लिखी हैं वो सारी चीज़ें एक ही चीज़ की ओर पॉइंट करती है, एक ही वो पूरा स्टोरी मानो एक ही चीज़ की तरफ बढ़ रहा है, वो है इंसान का उद्धार, गिरे हुए इंसान का उद्धार, और वो कैसे यीशु मसीह के क्रूस में। तो हमने जैसे आदम से हम लोग जब स्टार्ट करते हैं कि आदम ने जब पाप किया, सबसे पहला चीज परमेश्वर क्या कहते हैं, जब आदम को बगीचे से बाहर निकाला जाता है सबसे पहला चीज वो यही करता है कि वो एक मेमने को मार के उसको वो उसको ढक देते हैं, मतलब पहले से उस उत्पत्ति के उस एकदम शुरुआत से क्रूस की बात करना परमेश्वर चालू कर देते हैं, क्योंकि जो क्रूस है वही है पूरे बाइबल का सेंट्रल स्टोरी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्रूस ही है। और प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं कि मैंने और कुछ नहीं जाना, सिर्फ मसीह यीशु और उनका जो क्रूस है मैंने उसी को जाना है। और वो ये भी कहते हैं कि जो परमेश्वर का जो पूरा सामर्थ है वो इस क्रूस के प्रचार में ही है, वो एक थीम समान है, एक थीम है पूरे बाइबल में, उस थीम को हम देखते हैं। हाँ, क्योंकि वही बाइबल जो है वो परमेश्वर ने इंसानों को अब उनका जो वचन है वो दिया है, और उस पूरे बाइबल में कहानी यही है कि इंसान कैसे गिर गया, पर परमेश्वर ने एक प्लान बनाया उद्धार का, उस प्लान को कैसे अमल किया। अब हम लोग जब हम लोग पाप की बात करते हैं, बहुत लोग हम सोचते हैं कि हमने ये सब किया तो हम पापी हो गए, और आज भी जैसे हमने उद्धार पा लिया होता फिर भी हम सोचते हैं कि हमने ये पाप कर दिया वो पाप कर दिया तो हम अभी वापस पापी हो गए, तो अभी हमें वापस जाके लहू से धो के वापस धर्मी बनना है, वापस पापी वापस धर्मी। ये सब इसीलिए है क्योंकि बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हम पापी कैसे बने, और ये जानने के लिए हमें उत्पत्ति से ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि वहीं से पूरे मनुष्य जाति की कहानी शुरू होती है। अब क्रूस की हम अभी बात कर रहे थे, तो क्रूस में बहुत सारी चीज़ें हुई, क्रूस एक ही घटना थी पर उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि धार्मिकता जो है वो गिनी गई धार्मिकता है, कि हमारे खाते में हमारे पाप जो थे उसको परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के शरीर में गिन लिया, इसीलिए यीशु मसीह की धार्मिकता भी हमारे खाते में गिनी गई है। ये एक चीज़ क्रूस में हुई, पर उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि जो पुराने नियम में भी परमेश्वर ने बहुत सारे बलिदान हम देखते हैं कि रखे थे, इतने सारे टाइप्स और शैडोज जो हम बोलते हैं ना कि चित्रों और रीतियों में इस क्रूस को छुपा के रखा था छाया के, हाँ छाया के रूप में, कि जब क्रूस हो तब लोग समझ पाए कि यही परमेश्वर का तरीका है। और एक जगह बोलते हैं कि लेकिन शैतान उसको समझ नहीं पाया, इसीलिए हम पढ़ते हैं कि शैतान अगर समझ जाता तो वो यीशु मसीह को क्रूस पे नहीं मार, वो होने नहीं देता। गलातियों में वो ऐसे कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्या बन गए, श्राप, हमारे लिए वो श्राप बन गए ताकि हमारा सारा श्राप खत्म हो जाए और हम आशीषित हो जाए। ऐसे ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह पे कोड़े पड़े ताकि हम चंगे हो जाएं। तो वो क्रूस में बहुत सारी चीज़ें हुई, उस बलिदान में बहुत सारी चीज़ें हुई, और एक जो चीज़ हुई वो ये हुई कि हम, और ये प्रेरित पौलुस बहुत सारे अपने पत्रियों में बहुत जगह पे इसकी चर्चा करते हैं, पर लोगों के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन होता है और लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। वो एक पुराना मनुष्य और एक नया मनुष्य की बात करते हैं। क्रूस पे हमारा जो पुराना मनुष्य, वो कहते हैं कि एक पुराना मनुष्य था जो क्रूस में मसीह यीशु के साथ मर गया, और अभी मसीह यीशु के साथ एक पुराना मनुष्य नहीं पर एक नया ही मनुष्य जी जी उठा मसीह यीशु के साथ। अब हम सोचते हैं कि
नया मनुष्य पुराना मनुष्य क्या है, हमने एक दिन उद्धार पाया, हम तो ऐसे ही दिखे, मोटे थे तो मोटे थे, और अगर मैथ समझ में नहीं आता तो दूसरे दिन अचानक नया हम ये नहीं होंगे कि हम एकदम सुपर स्मार्ट हो गए और हमें मैथ समझ में आने लग गया, तो हम और बाहर से कुछ हाँ चेंज बाहर नहीं से कुछ हुआ। चेंज नहीं हुआ, और इस कारण लोग समझ नहीं पाते कि ये पुराना और नया मनुष्य क्या है, और इसकी मतलब इसका मतलब क्या है, हमारा कौन सा भाग, हमने स्पिरिट सोल एंड बॉडी की भी बात की थी लास्ट टाइम, कि एक हमारा प्राण है, आत्मा है और शरीर है, कौन सा इसमें से कौन सा पुराना है, कौन सा नया है, क्या है, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो आज हम इन इन्हीं सब बातों के बारे में पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करेंगे रोमन्स का 5th चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। रीड 5:12, रीड एन BSI एंड देन ऑल्सो रीड SHP, रीड दैट। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। सारा हिंदी बाइबल में भी पढ़ो। एक मनुष्य के कारण पाप ने संसार में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु ने और मृत्यु सभी मनुष्यों में समा गई क्योंकि पाप सभी ने किया। यहाँ पर वो फिर वापस ईदेन की वाटिका में चले जाते हैं, और वो कहते हैं कि कैसे पाप ने इस दुनिया में प्रवेश किया, एंट्री एक ही मनुष्य मनुष्य के कारण। अब एक मनुष्य ये नहीं कि हमने पाप किया इसीलिए पाप हमारे लाइफ में एंटर हो गया। आदम ने पाप हाँ, किया इसलिए। वो हमारे कुछ पाप करने के कारण पाप एंटर नहीं हुआ, पर पाप कैसे आया, वो एक मनुष्य के कारण। वो एक मनुष्य कौन था? आदम। और उसमें ऐसे हम बाइबल में और एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, हम यही हम लास्ट टाइम भी इसी के बारे में बात कर रहे थे कि बीज, हर एक चीज जो परमेश्वर ने बनाया वो एक बीज के रूप में बनाया। जैसे उन्होंने बहुत सारे जैसे स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया करोड़ों करोड़ों, पर मनुष्य को उन्होंने ऐसे नहीं बनाया। मनुष्य को उन्होंने आदम और आदम को बनाया, आदम के अंदर हवा भी थी और आदम के अंदर मनुष्य जाति का बीज था। हम सब हाँ, हम सब आदम के अंदर ही थे। और इसके बारे में हम एक वचन पढ़ भी सकते हैं, इब्रानियों में भी वो कहते हैं, हीब्रूस रीड 7:9-10, इब्रानियों में वो एक बात कहते हैं कि इब्राहिम जो है उसने मेलकीसदेक को दशांश दिया, और जब इब्राहिम ने मेलकीसदेक को दशांश दिया उसके, वो कहते हैं कि उसके अंदर ही जो लेवी भी था उसके अंदर ही था, है ना। तो रीड दैट 7:9-10। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश देता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसिदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता के देह में था। जैसे लेवी इब्राहिम के देह में ही था, वैसे हम भी किसके देह में थे? आदम के देह में। इसीलिए हम जब आदम ने जब पाप किया उसकी आत्मा जो है, परमेश्वर ने ऐसे कहा कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन तुम उसी दिन तुम मर जाओगे। और मरने का मतलब ये नहीं है कि एकदम खत्म हो जाना या रहना ही नहीं, मरने का मतलब ये है कि किसी एक जीवन के सोते से कट जाना। और आदम ने पाप किया उससे पहले वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, जीवन का जो सोता, हमें पता है कि यीशु मसीह है उन या परमेश्वर पिता है, उनके साथ उसकी जो आत्मा है वो जुड़ी हुई थी, पर जिस दिन उसने खाया उसी दिन उसकी आत्मा वो कट कनेक्शन गई। टूट गया। हाँ, और उसकी आत्मा उसी दिन से मर गई, यानी कि परमेश्वर के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं रहा, और उसके कारण उसका शरीर भी मरने धीरे लगा। धीरे मरने लगा। जैसे हम आदम के देह में थे, अब आदम का जब मृत्यु हुआ यानी उसकी आत्मा का, हम सब 3 भागों में हम हैं, हमने ये पहले भी सीखा था। हमारा एक तो एक हम जो है हम आत्मा है, और हमारा एक प्राण है यानी हम हमारा नेचर जो हम बोलते हैं कि तुम हो सकता तुम शांत स्वभाव की हो और
कुछ लोग बहुत जॉली नेचर के होते हैं, कुछ लोग बहुत सबको हंसाते हैं, कुछ लोग एकदम साइलेंट होते हैं, वो सब उनके प्राण का हिस्सा है। और दूसरा एक शरीर, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं, लंबे होते हैं, शरीर जो है वो जो दिखता है हमारे आँखों से, और प्राण भी एक हद तक हम समझ सकते हैं कि लोग किस तरीके के हैं, है ना। पर हम जो हैं, हम एक आत्मा हैं, हम एक आत्मा हैं, हमारा एक प्राण है और हम एक शरीर के अंदर रहते हैं। और जैसे अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मतलब मेरी आत्मा जो है वो तुमसे बात कर रही है इस शरीर के द्वारा, है ना। क्योंकि जो मैं असली मैं हूँ वो मेरी आत्मा ही है। अब आदम की आत्मा जो है वो मर गई क्योंकि उसने पाप किया, पर हम सब उसके अंदर ही थे, हम सब उसके अंदर से आए। आदम के बेटे उसके अंदर से आए, उसके बेटे उनके बेटे उनके बेटे करते करते बीज, करते बीज। उस बीज के कारण जो वो मृत्यु उसके अंदर थी वो सब में फैल गई। जैसे ऑरेंज का अगर एक बीज है, हम उसको ज़मीन में डालेंगे तो वो ऑरेंज ही लाएगा, ऐसे आदम का जो वो बीज जो है उसका जो आत्मा है वो खराब हो गया, इसीलिए जो वो मृत्यु है हम यहाँ देखते हैं कि वो सब लोगों में फैल गई। और हम जब जन्मे थे, कुछ भी करने से पहले हमारा जन्म ही पाप में हुआ था, यानी हम पापी, हमारे पाप करने से नहीं बन गए पर हम पापी जन्मे आदम के उस पाप के कारण, हम पापी हो गए और हम पापी हैं इसीलिए हम पाप करते हैं। हम ये नहीं है कि हम पाप करते हैं इसीलिए हम पापी हो गए। दाऊद राजा को भी इनफैक्ट ये पता था, वो हम वचन एक पढ़ लेते हैं, भजन संगीता में है 51:5। यानी ये जो पाप का स्वभाव, जब बच्चे भी जन्म लेते हैं इस दुनिया में उस पाप के स्वभाव को लेके ही वो जन्म लेते हैं। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। माता के गर्भ से ही वो पाप का जो बीज है, पापी हमारी जो आत्मा है, माता के गर्भ से ही हम पापी ही थे। मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रही थी तो बाजू में एक भाई थे, उनसे मैं बात कर रही थी, तो वो और एक रिलीजन के थे, तो वो इस ऐसी कुछ बातें हुई तो वो इस प्रकार कह रहे थे कि आपके धर्म और हमारे धर्म में ये डिफरेंस है, कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, उसमें एक मेन डिफरेंस है कि हम लोग समझते हैं कि जब बच्चे बॉर्न होते हैं, जन्म होते हैं, वो एकदम शुद्ध होते हैं, वो एकदम उनमें कोई पाप नहीं होता, पाप करने से ही वो पापी बन जाता है। और क्रिश्चियन धर्म में हम लोग ये मानते हैं कि सभी बच्चे भी, बेबीज भी पापी ही जन्म होते हैं। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सच्चाई है। अगर आप ये सच्चाई को समझ लोगे ना, आपको ये नहीं डाउट होगा कि आपका उद्धार हुआ है कि नहीं, क्योंकि आपको ये समझना है कि हमारे पाप करने के कारण हम पापी नहीं हैं, हमारी आत्मा जो है हम पापी जन्मे इसीलिए हम पाप करते हैं, है ना। और पर इसके दूसरा वचन हम आगे पढ़ते हैं, जैसे हम बच्चों की बात करते हैं कि वो पाप में जन्म अगर वो लेते हैं तो हमें पता है कि जब बच्चे अगर बचपन में मर जाते हैं तो भी वो स्वर्ग ही जाते हैं। उसका रीजन जो है वो आगे हम पढ़ते हैं, रीड वर्स 13 BSN। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। पाप जगत में कैसे आया? आदम के द्वारा। पर यहाँ पर वापस वो उसी गिनती की बात कर रहा जो हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे। व्यवस्था जब आती है, जब व्यवस्था में ये है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये पनिशमेंट मिलेगा, और जब व्यवस्था नहीं है तो पाप का पनिशमेंट लोगों को मिल नहीं रहा था। ऐसे जैसे बच्चे भी हैं ना, हम जब बच्चे थे तो हम वो गेम्स खेलते थे कभी कभी, तो कुछ कुछ कोई रूल्स तोड़ देते थे तो हम बोलते थे कि नहीं वो माना नहीं जाएगा, वो काउंट नहीं होता। तो उसी तरह पाप भी तब काउंट नहीं कर देते, क्योंकि बच्चों को व्यवस्था का ज्ञान नहीं होता है।
पर एक एज तक जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको ज्ञान अच्छे और बुराई का जब ज्ञान होने लगता है तो पाप वो पाप गिना जाता है दंड के लिए। अब इसमें कह रहे हैं कि व्यवस्था आने तक पाप गिना नहीं गया। आपको लगेगा कि नहीं पर पाप गिना नहीं गया इसका मतलब क्या है, इसका प्रैक्टिकल इसका क्या मतलब है। हम देखते हैं कि आदम के का जो बेटा था कायन, उसने अपने भाई को हत्या मार डाला था, तो पर परमेश्वर ने उस वो जो पाप है वो पाप था, पर उन्होंने गिन के उसको दंड नहीं दिया। क्योंकि हमें पता है कि व्यवस्था जब आई, हमें पता है कि अगर किसी ने भी किसी का हत्या किया होता तो उसको इमीडिएटली कैंप के बाहर ले जाके पत्थर मार के उसको मार डालना है। हत्या तो हाँ छोड़ो, और छोटी छोटी बातों के लिए के भी लिए भी व्यवस्था के हाँ अंदर हाँ मार मृत्यु दंड दी जाती थी। पर कायन को मृत्यु परमेश्वर ने नहीं मारा क्योंकि तब व्यवस्था नहीं दी गई थी। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, हमने और एक इसके बारे में एक स्टडी भी किया था व्यवस्था की रीति करके। हम देखते हैं कि मूसा के साथ जो इसराइली निकल पड़ता है मिज़राइम से, उनको भी वो बहुत कुछ करते हैं वो व्यवस्था दिए जाने से पहले। पहले वो पानी के लिए कंप्लेन करते हैं, वो फिर वो बोलते हैं खाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और वो जब भी वो सब करते हैं उनके ऊपर दंड नहीं आता। पर जब भी वो कंप्लेन करते हैं, वो बोलते हैं जैसे कि पानी नहीं है तो परमेश्वर उनको पानी पानी देते हैं, वो बोलते हैं कि खाना नहीं है तो परमेश्वर उनको मन्ना देते हैं। परमेश्वर मानो उनकी जो कंप्लेंट्स है उसको सुनते ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ भी वो कर लेते हैं परमेश्वर कुछ उसको गिनते नहीं है। हाँ। क्योंकि तब व्यवस्था नहीं दी गई थी। पर अब पाप का दो प्रभाव हम बोल सकते हैं। एक तो यह है कि पाप का दंड, जो हम बोलते हैं व्यवस्था आने के बाद परमेश्वर ने पाप का दंड देना चालू किया और पाप का दंड सब लोगों पे गिरा। हम देखते हैं कि जिस दिन व्यवस्था दी गई उसी दिन 3,000 लोग मर मर गए। एक तो है पाप का दंड और दूसरा है पाप के द्वारा जो आती है वो मृत्यु। भले ही परमेश्वर ने कायन को नहीं मारा पर पाप का जो मृत्यु, पाप जो मृत्यु उत्पन्न करती है वो तो इस जगत में था। वो एक लॉ है, जैसे नियम है। नियम है। जैसे हम बात कर रहे थे सोइंग एंड रीपिंग, बोना और काटना, तो पाप करेंगे तो तो मृत्यु आएगी। आएगा हर बार। परमेश्वर पनिश करे या ना करे पाप मृत्यु लाती है। और इसी बात को वो अगले वचन में बोलता है, हम वो पढ़ लेते हैं। रीड इन BSI 14। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, के अपराध के समान पाप न किया। परमेश्वर पाप का दंड नहीं गिन रहे थे, नहीं मान रहे थे, पर भी बहुत स्पेसिफिक उन्होंने ये नहीं कहा कि मूसा से आदम से दाऊद तक, या फिर उन्होंने ये नहीं कहा कि आदम से नूह तक, आदम से मूसा तक, मतलब व्यवस्था देने तक परमेश्वर पापों को गिन नहीं रहे थे, वो दंड नहीं दे रहे थे, पर मृत्यु ने क्या किया, राज राज किया। और मृत्यु ने राज क्यों किया, क्योंकि जो भी इंसान थे भले ही परमेश्वर उनको व्यवस्था से पहले दंड नहीं दे रहे थे, उनके अंदर वो पाप का स्वभाव स्वभाव था, उनकी आत्मा मर चुकी थी। जैसे एक सुअर है, हम देखते हैं कि उसका नेचर यही होता है कि वो जाके कीचड़ में पड़ा रहता है। उसको आप कुछ भी कर लो, उसको एक बहुत एकदम उसके ऊपर परफ्यूम डालो, उसको नहा धो के उसको रख दो कहीं यहाँ वहाँ, फिर भी अगर आप उसको फ्री छोड़ेंगे तो वो कुछ नहीं करेगा, वो कीचड़ में ही जाके गिरेगा क्योंकि वो सुअर है। तो ऐसे ही पापी लोग पापी ही थे, मरे हुए ही थे, इसीलिए मृत्यु ने उनके ऊपर क्या किया, राज किया। वो इससे बच नहीं पाए, सुअर कुछ भी ट्राई कर ले वो उससे बच नहीं पाएगा क्योंकि वो उसका, उसका DNA हाँ, है। वो उसका स्वभाव है, उसका नेचर वही है कि वो पाप करेगा, पापी पाप करेगा। आज भी हम लोग देखते हैं ना, जब हम दुनिया के लोगों को देखते हैं, हम बहुत सब कभी कभी हम लोग कुछ लोग इतने सरप्राइज हो जाते हैं कि ये लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं, पर हाँ
वो पाप और मृत्यु जो है वो अभी भी उन पे राज करता है, वो उनके उस पाप के गुलाम है, उनका स्वभाव। कितना भी वो कुछ भी हम उनको ज्ञान दे, शिक्षा दे, कितना भी हम उनको समझाएं, पाप उनके अंदर से जाने वाला नहीं है। जब 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 तक तक वो एक वो जो पुराना स्वभाव मरेगा मर और एक नया जाएगा। वाला आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बोलते हैं कि जो ये आदम था वो क्या है, एक आने वाले एक आदम का चिन्ह था, या अ टाइप फिगर, मतलब एक छाया था। जैसे आदम के कारण सब दुनिया में पाप, जैसे हम सब भी पापी पैदा हुए, इस पूरी दुनिया पापी हो गई, ऐसे ही एक आदम पहले आया, फिर एक आदम आया जो स्वर्ग से आया। जैसे पाप एक ही इंसान के कारण फैल गई, वैसे ही हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्लान उसी तरीके से एक ही इंसान के आने के द्वारा धार्मिकता और जीवन फैल गया। उसके बारे में हम एक वचन पढ़ लेते हैं, रीड 1 कुरिन्थियंस 15:45-47। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। अब हम देखते हैं, जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं, हमें लगता है कि इसमें तो पर हमारी कोई गलती ही नहीं थी, हम पाप ही पैदा हुए, आदम के कारण ही ये सब हो गया, उसने पाप किया, इस दुनिया में पूरी तबाही मच गई। हम जो भी देख रहे हैं उस आदम के एक पाप से शुरू हुआ, और लोगों ने जैसे जैसे उस पापी होने के कारण जैसे जैसे, जैसे पाप किया, स्प्रेड हो हाँ गया। ऐसे ही हो गया। जैसा हम वो एग्जांपल दे रहे थे बीज और प्लांट, जैसे सबसे पहले अगर ऑरेंज का जो बीज है उसमें अगर कोई कमी रहा होगा वो सब स्प्रेड हो जाएगा ना। मतलब पूरे दुनिया में जितने भी ऑरेंजेस होंगे वो उसी खराब ही बीज से होंगे। जो आए होंगे वो खराब ही होंगे। पर परमेश्वर जो है वो शैतान से बहुत ज्यादा कई गुना वो स्मार्ट है। शैतान जब ये सब हुआ तो शैतान बहुत खुश हो गया कि हाँ देखो मैंने आदम को पाप करवा दिया, और अब बहुत लोग उसके कारण पापी ठहर गए और पाप उन पे राज भी करता है। और हम हिब्रूस में एक जगह लिखा भी है कि शैतान ने मृत्यु के कारण, मृत्यु का जो राज है शैतान ने जताया लोगों पे पाप के कारण। पर पहला एक आदम है जो पहला मनुष्य जो बना है, दूसरा आदम जो है वो हमारे यीशु मसीह है, पर दोनों एक समान, एक कुछ तरीकों में एक समान है कि एक के कारण मृत्यु आया और एक के कारण जीवन आया। पर यहाँ पर लिखा है कि पहला आदम जो था वो तो उसको जीवन परमेश्वर ने ही दिया था, पर दूसरा आदम जो है वो है एक जीवनदायक आत्मा। यीशु मसीह जो है वो आदम से कहीं 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 गुना बड़े हैं। उन्होंने जो किया, परमेश्वर का जो उद्धार है वो मनुष्य के जो फॉल, जो हम बोलते हैं मनुष्य का जो गिरना हुआ, मनुष्य ने जो पाप किया उससे कहीं गुना बढ़कर है। क्योंकि जो पहला आदम था वो इस पृथ्वी का था, पर जो दूसरा आदम हमारे यीशु मसीह है वो कहाँ से आए, वो स्वर्ग से आए। और हम जब पृथ्वी और स्वर्ग, हम बोलते हैं ना कि जमीन आसमान का अंतर है, मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि बहुत अंतर है। हम इस इन सब पृथ्वी की जो चीजें हैं उनकी तुलना हम स्वर्गीय चीजों के साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि कंपेरिशन ही नहीं है, वो बहुत 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 बढ़ के है। और परमेश्वर भी कहते हैं ना हाँ कि मेरी जो तरीके हैं, तुम्हारे जो सोच है, मेरे सोच में जमीन आसमान का अंतर है। और जैसे आदम एक के कारण ऐसे हुआ, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी कि हम पापी बन गए, हम जन्म से ही पापी थे, इसीलिए परमेश्वर ने भी फ्रीली एक इंसान के कारण, अभी हमारे कुछ करने के कारण हम धर्मी नहीं बनते, पर यीशु मसीह के उस क्रूस के जो मृत्यु के कारण हमारा जो एक नया जन्म हो जाता है हमारे कुछ करे बिना ही, और इसीलिए वो एक भेंट है।
इसमें बार 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 वो यही लिखता है कि वो बेट है, जैसे अपरा था वैसे बेट नहीं था। अब बेट कुछ मजदूरी नहीं है, कुछ फ्रीली वो मुफ्त में दिया जाता है, वो हमारे कुछ करने के कारण नहीं पर सामने वाले के प्रेम के कारण हमें वो मिलता है। हम अब आगे के वचनों में प्रेरित पौलुस जो है वो कंपेयर करते हैं कि आदम के पाप और यीशु मसीह का जो क्रूस का मृत्यु, उन दोनों में वो कुछ समानताएं बताता है और कुछ अंतर बताता है। पहले 3 वचनों में वो क्या क्या अंतर, जो अंतर है वो बताता है, और फिर आगे जाके वो समानताएं बताता है। हम उसको पढ़ लेते हैं।